गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लेथ मशीन। सो अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। द वेरी फर्स्ट सिंपल ऑपरेशन इज प्लेन टर्निंग। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट अवर जॉब विच इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप इज fitted at one end in the drill chuck and is rotated at certain RPM in this direction, okay? And as far as the tool is concerned, we are using a single point cutting tool which is held in the tool post. So in plane turning operation, we are basically removing the extra material from the surface of the work piece, or you can say from the surface of the cylindrical work piece, to obtain the required diameter, okay? So as far as the motion is concerned, the job is rotating about its own axis at a fixed RPM, and we are giving this tool axial movement in this direction with the longitudinal feed handle, and the depth of cut, that is the lateral movement, is given equal to the amount of material removed radially, कि जितना हमें diameter बनाना है उसका half करके हम depth of cut के बराबर tool को dig कर देते हैं job के अंदर और axial movement दे देते हैं from right to left, okay? So the definition is concerned, it is an operation of removing excess amount of material from the surface of the cylindrical workpiece. Okay, तो इस तरह से हम jobs से हमारा initial में job का diameter था से 30, okay, and we want to make it to 20 diameter. Okay, so in this way we will take the depth of cut as 5 mm, okay? So second operation, that is step turning. Step turning, देखिए एक ही job पे different lengths पे different diameters बनाने, जैसे एक ही job पे से हमने 10 mm length पे 10 mm diameter बना दिया, से फिर नेक्स्ट 10 mm लेंथ पे हमने 20 mm डायमीटर बना दिया, और नेक्स्ट 10 mm लेंथ पे से 30 mm डायमीटर बना दिया। तो इस तरह से सीढ़ी की तरह स्टेप्स बना देते हैं। तो सिमिलर है ये भी कि वर्क पीस को वैसे ही हम चक में होल्ड कर लेते हैं, रोटेट करते हैं एट ए फिक्स्ड RPM और टूल को हम फीड देते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके? तो एज़ फार एज़ द डेफिनेशन इज़ कंसर्न, इट इज़ द प्लेन टर्निंग ऑपरेशन एट डिफरेंट लेंथ्स विद वेरिड डायमीटर्स ऑन द सेम वर्क पीस, ओके? एंड द कटिंग टूल यूज अगेन इज प्लेन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एज शोन इन द फिगर। द थर्ड ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन द लेथ इज फेसिंग। तो जैसा कि इसका नाम है फेसिंग, कि जॉब के एंड को मशीनिंग करके मटेरियल रिमूव करना, तो फेसिंग करने के दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, दो कारणों से करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू मेक द एंड्स, ये एंड्स को फ्लैट बनाना, एंड सेकंड पर्पस इज़ टू मेक द जॉब ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ, कि रिक्वायर्ड लेंथ की जॉब बनाना, कि एक्स्ट्रा मटीरियल वहाँ से रिमूव कर देना। तो इन दिस फेसिंग ऑपरेशन वी आर फिनिशिंग द एंड्स ऑफ द वर्क पीस टू मेक द एंड्स फ्लैट एंड स्मूथ एंड टू मेक द वर्क पीस ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। तो इसमें हमारे टूल को फीडिंग जो रहती है, या तो हम सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में मूव करते हैं रेडियली आउटवार्ड, और या फिर आउटर सरफेस से शुरू करके यहाँ रेडियली इनवार्ड तक लेके जाते हैं, ठीक है? तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं फेसिंग। नाउ फोर्थ ऑपरेशन इज़ ग्रूविंग। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ग्रूविंग में हमारा वर्क पीस के ऊपर छोटा सा ग्रूव बनाया है ये,
ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ग्रूव, इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग स्क्वायर ग्रूव्स तो इसके लिए हमें स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर शेप का टूल यूज़ करना पड़ेगा, और अगर राउंड टाइप की ग्रूविंग कर रहे हैं तो राउंड शेप का। तो जैसे हमारी टूल की टिप की शेप होगी वैसा ग्रूव की शेप हमारी बन जाएगी। तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, बहुत ही कम नैरो सरफेस में, ठीक है। एंड द जॉब इज़ रोटेटेड एट बेसिकली एट हाफ द स्पीड ऑफ टर्निंग, क्योंकि हमने मटेरियल ज़्यादा रिमूव करना है तो जितनी हम नॉर्मल टर्निंग में स्पीड यूज़ करते हैं RPM, उसका हाफ RPM पे जॉब को रोटेट करवाते हैं होल्ड करके, और टूल को हम क्रॉस फीड हैंडल से मूवमेंट देते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ मीन्स पार्ट्स बना देने, कि एक वर्क पीस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है ग्रूविंग का, बट इसमें हम जॉब्स को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कि यहाँ से जैसे सपोज यहाँ से हमने जॉब को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन इज़ द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए डिज़ायर्ड लेंथ फ्रॉम द बार स्टॉक, कि इतनी लेंथ की हमें जॉब चाहिए, उसके बाद दूसरी जॉब के लिए मटेरियल रख देंगे, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा पार्टिंग ऑफ टूल भी हमारा ग्रूविंग ऑपरेशन की तरह ही है, बट इसमें रेडियली सेंटर तक और आउटवार्ड से हम टूल को फोर्स करना शुरू करते हैं, ठीक है, इस तरह से, और सेंटर तक ले जाते हैं कि जब तक दो पार्ट्स में जॉब हमारी डिवाइड ना हो जाए। तो ये हमारा होता है पार्टिंग ऑपरेशन। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग, देखिए हमारी इस तरह की जॉब्स, हम कॉनिकल शेप की जॉब्स बनाना चाहते हैं, सिलेंड्रिकल को कॉनिकल शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि हमारा एक एंड पे डायमीटर से कैपिटल डी है और दूसरे एंड पे स्मॉल डी है, और ये एल लेंथ की जॉब पे हम टेपर बनाना चाहते हैं। और जब इन दोनों कॉनिकल साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल है, दैट इज़ टोटल इज़ 2α, ठीक है, 2α, इन टेपरिंग साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज़ 2α। तो हम ये इस ऑपरेशन की डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग एन एक्सटर्नल कॉनिकल सरफेस ऑन ए वर्क पीस, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट तीन चार तरह से हम बना सकते हैं टेपर जॉब। तो पहला मेथड है बाय टेल स्टॉक ओवर सेट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। देन सेकंड मेथड इज़ बाय स्विवलिंग द कंपाउंड रेस्ट। थर्ड मेथड इज़ बाय यूजिंग द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। बट जो हम कॉमनली है स्विवलिंग द कंपाउंड रेस्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये फिगर दिखाई गई है, तो इसमें हमने टूल को इतने एंगल पे सेट कर दिया, देखिए ये हाफ ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दैट इज़ अल्फा, टोटल एंगल 2α था, तो टूल को हमने अल्फा एंगल पे सेट कर दिया कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से, और इस हैंडल से हम मूवमेंट दे देते हैं, ये जो हैंडल लगा हुआ है इससे इस डायरेक्शन में मूवमेंट दे देते हैं। तो जॉब हमारी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है ऐसे, और टूल हमारा ऐसे मूव करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टेपर। और जो कंपाउंड रेस्ट को सेट किया जाता है उसका ये फार्मूला है, टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज़ हाफ ऑफ द एंगल, टेंजेंट अल्फा इज़ डी माइनस डी ओवर 2L। तो कैपिटल डी जो है हमारा लार्जर डायमीटर ऑफ द वर्क पीस है, स्मॉल डी हमारा स्मॉलर डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, और एल इज़ एक्सियल लेंथ ऑफ द वर्क पीस, जितने लेंथ में हमने टेपर प्रोड्यूस करनी है। तो इस तरह से हम टेपर सिलेंड्रिकल सरफेस को कॉनिकल सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें, तो दैट इज़ ड्रिलिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग, हम डेफिनेशन की बात करें, जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन द एंड द एंड्स ऑफ द वर्क पीस। तो लेथ मशीन के ऊपर हम ब्लाइंड होल्स प्रोड्यूस करते हैं,
होल प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, जॉब को जॉब के एक एंड पे एक एंड से होल्ड कर लिया चक की हेल्प से, और जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ड्रिल, और इस ड्रिल को हमने राइट एंड साइड पे टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट कर लिया, और जो हम ड्रिल को मूवमेंट दे रहे हैं वो टेल स्टॉक फीड हैंडल की हेल्प से इन दिस डायरेक्शन। तो जितनी डेप्थ का हमने होल प्रोड्यूस करना है वी कैन प्रोड्यूस, तो और ड्रिल को स्लोली मूवमेंट करते, तो इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस द ब्लाइंड होल्स एट द एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ ड्रिल्स ऑन अ लेथ मशीन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज रीमिंग। तो अब हमने होल प्रोड्यूस कर लिया है, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा ड्रिल होल है इसकी इंटरनल सर्विसेज एक्यूरेटली फिनिश्ड हों और डायमेंशनल एक्यूरेट हो, तो इस ऑपरेशन के लिए हम रीमिंग रीमर टूल का यूज़ करते हैं, और इस ऑपरेशन को हम रीमिंग बोलते हैं। तो ये हमारा फिगर है उसका रीमिंग ऑपरेशन का। तो ये हमारे जॉब हमने चक में होल्ड करी हुई है, चक है हमारा और ये हमारी जॉब है, और टेल राइट हैंड साइड पे टेल स्टॉक के स्पिंडल में ये ड्रिल चक, और ड्रिल चक में ये वाला टूल हमारा रीमर हमने होल्ड किया हुआ है। रीमर इज बेसिकली लाइक ए ड्रिल बट इट हैज़ स्ट्रेट फ्लूड्स, जो इसके टीथ होते हैं स्ट्रेट होते हैं। तो फीड जो हमने देनी है, तो यहाँ पर हमारा हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, इस हैंडल को मूव करके हम इस रीमर को इन दिस डायरेक्शन फीड करते हैं। पर्पज़ हमारा यही है कि हमारा जो होल हमने प्रोड्यूस किया है ड्रिलिंग ऑपरेशन से, उस होल की इंटरनल सर्विसेज की फिनिशिंग इम्प्रूव हो, और दैट होल शुड बी डायमेंशनली एक्यूरेट। तो ये दो पर्पज़ है, तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड रीमिंग। द नेक्स्ट ऑपरेशन इन दिस इज बोरिंग। तो बोरिंग ऑपरेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज एनलार्जिंग और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल। ये हमने जो पहले ड्रिल होल बनाया उस होल का डायमीटर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने 10 mm डायमीटर का होल बनाया ड्रिल की हेल्प से, अब हम ये चाह रहे हैं कि 16 mm डायमीटर का होल बना दें। तो वी आर यूजिंग, एक तरीका तो ये है कि हम 16 mm डायमीटर का ड्रिल यूज़ करें, बट ऐसा हम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, एक बोरिंग बार यूज़ करते हैं, और इस बोरिंग बार में टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट करके इसको बोरिंग बार को, और इसमें सिंगल पॉइंट टूल यूज़ करते हैं, और टेल स्टॉक फीड हैंडल से मूवमेंट देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डायमीटर पहले 10 mm था, हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया, तो हमने 16 mm डायमीटर का होल प्रोड्यूस कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस बोरिंग बार। सो इट इज़ डिफाइंड एज द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑलरेडी ड्रिल्ड होल, जो पहले हमने होल प्रोड्यूस किया हुआ है उसका डायमीटर इंक्रीज करना ऑन अ लेथ मशीन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग जो है लेथ मशीन पे एक बेसिकली इन ऑटोमेटिक मोड में किया जाता है। थ्रेड्स मतलब सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर हमने से एक्सटर्नल सर्विसेज के ऊपर थ्रेड्स प्रोड्यूस करने हैं, चूड़ियाँ जिसको बोलते हैं थ्रेड्स, ठीक है ना। तो अभी तो हम इतनी बात करेंगे कैसे करते हैं, उस इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये डेफिनेशन की बात करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ से सिलेंड्रिकल जॉब विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल। तो इसमें हमें, मैंने कहा कि हमें मशीन को ऑटोमेटिक चलाना पड़ता है, तो हम इसमें लीड स्क्रू और स्प्लिट हाफ नट को यूज़ करके हम टूल की मूवमेंट को ऑटोमेटिक देते हैं, और कितना मूवमेंट करेगा, किस स्पीड पे रोटेट करेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला गियर रेशियो का दिया हुआ है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू बट ए स्पीड ऑफ द जॉब इज इक्वल टू गियर रेशियो, और दैट इज़ फर्दर इक्वल टू पिच ऑफ द थ्रेड्स ऑन द जॉब डिवाइडेड बाई द पिच ऑफ द लीड स्क्रू। तो इस तरह से हम थ्रेड्स जॉब के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फिगर भी हमारे पास थ्रेडिंग ऑपरेशन कैसे मूव कर रहा है, देखिए ये हमारा
स्प्लिट हाफ नट को हमने एंगेज किया हुआ है लीड, ये लीड स्क्रू के ऊपर, ठीक है। तो ये गियर ट्रेन लगी हुई है और हमारा ये जॉब, जॉब के ऊपर, जॉब कितने आरपीएम पे रोटेट करेगी ये गियर रेशो से कैलकुलेट करते हैं। और टूल जॉब के एक रोटेशन से कितना आगे मूव करेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द पिच, पिच जो हमने थ्रेड्स के ऊपर बनानी है उसके हिसाब से टूल की मूवमेंट होती है। तो पिच इज बेसिकली द एक्सियल डिस्टेंस, वह एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल व्हेन द जॉब रोटेट्स वन रोटेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम थ्रेडिंग ऑपरेशंस करते हैं लेथ मशीन के ऊपर। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज नर्लिंग। नर्लिंग देखिए, इस तरह से हमारी लाइंस प्रोड्यूस करना, इनका पर्पस जो है इफ़ेक्टिव ग्रिपिंग के लिए। जैसे आपने वर्नियर कैलिपर के स्क्रूज के ऊपर देखा होगा कि छोटी छोटी लाइंस प्रोड्यूस हैं ताकि जब हम उसको ऑपरेट करें तो स्लिपिंग ना हो, इफ़ेक्टिव ग्रिपिंग के लिए। तो इसके लिए जो टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड नर्लिंग टूल। तो ये हमारा टूल पोस्ट में, टूल होल्डर में फिट कर लेते हैं और इसको इस डायरेक्शन से मूव करते हैं। घूमती हुई जॉब के साथ जब प्रेस करते हैं तो जॉब के ऊपर इस तरह की लाइंस बन जाती हैं। तो ये लाइंस 45 डिग्री पे इस तरह से भी होती हैं, इस तरह से भी, और ये जैसे दिखा रखा है क्रॉस तरह की भी, वर्टिकल भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द व्हील जो यूज़ किया गया है नर्लिंग टूल उसके ऊपर कैसी लाइंस हैं, वैसी लाइंस उसके वर्कपीस के ऊपर प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर का हैंडल एग्जांपल्स दिए इसने, गेज हैंडल जैसे मैंने एग्जांपल बताया, वर्नियर कैलिपर के स्क्रूज के ऊपर इस तरह से, पर्पस हमारा जो है इफ़ेक्टिव ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। वो जो टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ नर्ल, KNURL और नर्लिंग टूल, KNURLING नर्लिंग टूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग यानी कि कोई पर्टिकुलर शेप बनानी हमने, तो जैसे ही हमारी टूल की शेप होगी वैसी शेप जॉब के ऊपर बन जाएगी। तो जॉब हमारी फिक्स है, चक में है चाहे सेंटर्स में है, ठीक है, ये हमारी जॉब शो कर रखी है तीन जॉब्स। और जैसे हमारी टूल की शेप है, जैसे इसमें रेडियस फॉर्मिंग करनी है कि एंड के ऊपर ये हमारी ऐसे शार्प एजेस को ख़त्म किया है, बीच में कनकेव बनाया है, कन्वेक्स बनाया है, तो जिस तरह का फॉर्मिंग टूल्स हम यूज़ करेंगे उसको घूमती हुई जॉब के साथ फीड करेंगे उसी तरह की शेप्स हमारी बन जाएंगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मिंग टू, फॉर्म टर्निंग। नेक्स्ट ऑपरेशन इज स्पिनिंग। अब देखिए स्पिनिंग में हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एक शीट मेटल से, पतली एक हमारी शीट है, ठीक है ना, ये वाली ये शीट है, इस शीट से ये कटोरी टाइप की शेप बनाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोर्सिंग दिस शीट मेटल, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मिंग टूल। इस फॉर्मिंग टूल को इस शीट, घूमती हुई शीट के साथ टच करते हैं और धीरे धीरे ऐसी ऐसी शेप ये ले लेता है इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारी इस तरह की शेप बन जाएगी वर्क पीस की। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिन शीट ऑफ मेटल बाय रिजॉल्विंग द वर्क पीस एट हाई स्पीड एंड प्रेसिंग इट अगेंस्ट ए फॉर्मर। ये फॉर्मर है जैसी हमने शेप बनानी है, अटैच टू द हेड स्टॉक स्पिंडल, ठीक है ना, और विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मिंग टूल। तो हमने जॉब को इस हेड स्टॉक के स्पिंडल पे फॉर्मर फिट किया और दूसरे एंड पे टेल स्टॉक से सपोर्ट दे दिया और इस फॉर्मिंग टूल से हमने प्रेस करते गए। तो जैसे हमारे ये फॉर्मर की शेप होगी वैसी हमारी शीट मेटल की शेप बन जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। नाउ द लास्ट ऑपरेशन इज चैम्फरिंग। चैम्फरिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैम्फरिंग देखिए, हमारी टर्निंग करने के बाद इसकी जो एजेस हैं शार्प बन जाती है। शार्प एजेस को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा हम एंड्स को 45 डिग्री पे मटेरियल रिमूव कर देते हैं, इसको बोलते हैं बेवलिंग द शार्प एजेस, ताकि जब
टर्निंग की हुई जॉब एक दूसरे के साथ टच करें तो उनके शार्प एजेस खराब ना हो, चोट ना लगे एक दूसरे से, कोई ऑपरेटर को हैंडलिंग के टाइम चोट ना लगे और एक दूसरे के सरफेस को ख़राब ना करें। और एक और पर्पज़ होता है कि जब इस पार्ट के ऊपर हम नट चढ़ाना चाहें तो ईजिली चढ़ जाए, ईजिली असेंबल हो जाए, ठीक है ना, दो मेटिंग पार्ट्स भी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एक्सट्रीम एजेस ऑफ द वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ ए चैम्फरिंग टूल। तो 45 डिग्री पे टूल को सेट करके हम इस तरह से कॉर्नर्स को ख़त्म कर देते हैं, बेवल कर देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चैम्फरिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू हमने 15 ऑपरेशंस बेसिकली डिस्कस किए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।